अस्सलाम वालेकुम। साफिया दक्कन SDN TV को देखने वाले व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूपी में अपोजिशन की हार क्यों? बहुत जोर लगाया, ज़ोरदार इंतखाबी तशहीर की, रैलियों और रोड शो में बेशुमार भीड़ भी जमा हुई और BJP की नाकामियों को भी लोगों के सामने रखा। लोगों ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन समाजवादी पार्टी की क़यादत में अपोजिशन की ये पॉलिसी और तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में BJP की फतह रोकने में नाकाम साबित हुई। इस तरह उत्तर प्रदेश के रास्ते हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली लाने और भगवा पार्टी को इख्तदार से बेदखल करने का एक और मौका अपोजिशन के हाथ से निकल गया। 1985 से ही उत्तर प्रदेश में वोटर हर असेंबली इंतखाबात में तब्दीली के लिए वोट देते रहे हैं, भले ही वो मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो या कोई और। यूपी के वोटर ने लगातार दो बार किसी भी पार्टी को इख्तदार में आने का मौका नहीं दिया, लेकिन योगी हुकूमत ने ये कर दिखाया और इस मिथ को तोड़ दिया। BJP 2017 के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाने जा रही है। अब तक जो रुझान सामने आए हैं, इससे दो बातें वाज़े होती हैं। एक तो ये कि अपोजिशन आम लोगों के जहन में अपनी जगह बनाने, इनके जज्बात समझने में नाकाम रही, और दूसरा ये कि हिंदू बेल्ट में हिंदुत्वा की सियासत का कोई ठोस मुताबिदिल लोगों के सामने नहीं रख पाई। मोटे तौर पर पांच असबाब का तजिया करते हैं, जिनसे गालिबन साफ हो पाएगा आखिर ज़बरदस्त बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की तहरीक और दीगर अहम इश्यूज़ के बावजूद अपोजिशन क्यों नाकाम रहा। क्या यूपी के इंतखाबात को किसान तहरीक की नाकामी कहा जाए? बहुत से लोग ऐसे ही कहेंगे। जिस तहरीक को गुज़िश्ता 7-8 साल में BJP के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी तहरीक तसव्वुर किया जा रहा था, वही किसान तहरीक इन इंतखाबात में कोई भी असर डालने में नाकाम रही। किसान तहरीक का एक अहम चेहरा रहे सूरज इंडिया के लीडर योगेंद्र यादव कहते हैं, हमने पिच तैयार कर दी थी, लेकिन हम खिलाड़ी नहीं थे। इंतखाबी नतायज BJP के हक़ में जाने की दूसरी वजह अपोजिशन के हिस्से में गए। वोटों की तकसीम है, इसने अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मगरबी उत्तर प्रदेश में BSP और AIMIM ने 66 उम्मीदवार मैदान में उतारे दिए। जाहिर है कि इससे सेकुलर वोटों में तकसीम होनी ही थी। तजयकारों का मानना है कि इससे वोटर के जहन में कश्मकश की हालत पैदा हुई और BSP का कट्टर वोट BJP के हिस्से में चला गया, नतीजतन अपोजिशन की शिकस्त की सूरत में सामने आया। तजयाकार मानते हैं कि अखिलेश यादव आम वोटर्स और अवाम से सीधे जुड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वो BJP की ताकतवर इंतखाबी मिशनरी और मोदी योगी अमित शाह की तिरुमूर्ति की करिश्माई अपील की काट नहीं निकाल सके। इसके साथ ही BJP की मादरी तंजीम RSS जैसी तंजीम ताकत भी इनके पास नहीं थी। हालांकि छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके अखिलेश यादव ने तंजीम की कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन BJP के खिलाफ पैदा बेइत्मीनानी को वो वोटों में बदलने में नाकाम हो गए। तजयकारों का कहना है कि घर घर मुहिम के दौरान RSS कारकुनान ने तकरीबन हर घर पर दस्तक दी, योगी हुकूमत की फलाही मंसूबों के फ़ायदे शुमार कराए, और यही BJP ने हक़ में काम कर गया। हालांकि अपोजिशन बेरोज़गारी, कोविड के दौरान हुई अमवात और बद इंतज़ामी, बेरोज़गारी, मुलाजिमतें जाने, लॉकडाउन जैसे अहम इश्यूज़ की अहमियत लोगों के सामने रखी, लेकिन हिंदुत्व के असरदार पॉलिसी के सामने सारे इश्यूज़
बौने साबित हुए। वैसे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात में तशहीर की शुरुआत मगरबी उत्तर प्रदेश के कैरेना से की थी। इस दौरान हिजाब का भी तनाज़ा सामने आया। इन सब से हिंदुत्व की सियासत को हवा मिली। इसके सामने अपोजिशन की सारी पॉलिसी मुनद्दम होकर रह गई।